हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है जिसमें 25-25 प्रश्नों को लिया है और टोटल 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। और यह 95 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन और रहेंगे जो इस वीडियो में, तो टोटल 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद 25 क्वेश्चन और बनाऊंगा तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, EDP क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपका डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना जो है एकत्रित डेटा को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो है वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचना कहा जाता है और कंप्यूटर में सूचना जो है वो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियाँ तैयार करना। तो आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है? तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो एबकस है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए, जेन मकौली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन दिया हुआ, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किया जाता है कंप्यूटर वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, क्रे CRAY क्या है? तो क्रे जो है हमारा एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सभी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल, UP पुलिस, CCC, सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 109 नंबर क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ऑप्शन है वॉन न्यूमान, प्रेस्पर एकर्ट,
एंड जॉन मोसले या जोसेफ मैरी या चार्ल्स बेबेज। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला था एनईएक जिसका नाम था उसको बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक प्रिंटर की किस्म होती है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसको फंक्शन की कहते हैं, कि संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। लाइन प्रिंटर में जो है एक स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो जो मॉनिटर है अपना, ये इसका ये एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में जो कोई भी चीज़ डाली जाती है, डेटा वगैरह, तो उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो उसको प्रदर्शित करता है मॉनिटर। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, या ये सभी से? तो गेम जो खेले जाते हैं वो जॉयस्टिक से खेलने में बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं आपको, यही इसी को जॉयस्टिक बोलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इन तीनों बटन को एक नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों बटनों को हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो लाइन लाइनिंग बनी, जो ये पिक्चर दिखा रहे हैं इस तरह की जो बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बारकोड, स्कैनर्स, प्राइसेस या कोड? तो उसको हम लोग बारकोड बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे जो साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है वो फ्लॉपी डिस्क होती है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो कंप्यूटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? तो जो प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए जो इनपुट डिवाइस होती है वो स्कैनर होती है। किसी भी प्रिंटेड चीज़ को आप स्कैन करके वही चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा।
124 नंबर क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विलियम इंग्लिश, डगलस एल एंजलबर्ट, रॉबर्ट जावाकी, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था वो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। और 125 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो किस में वो स्टोर होता है? तो रैम में स्टोर होता है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 30 प्रश्न इस वीडियो में, और आपको अगर हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हुई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, और इसके बाद जब ये कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे तो मैं साइंस के प्रश्नों को बनाऊँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। थैंक यू फ्रेंड।